रहीम, आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स की जो हमारी न्यू बुक है, मैथ्स न्यू बुक से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कवर करूँगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन एक ही वीडियो में कवर करूँगा। आपको अगर मुश्किल हो समझने में तो आप वीडियो को बाय पार्ट करना, वरना ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और बहुत ईजी है। एग्जामिनेशन पॉइंट से लें तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से। इस एक्सरसाइज में ये एक ही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी नीचे के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम करेंगे सारे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन का देखो पहला जो पार्ट आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये रहा। इसमें आपके पास दो इक्वेशन दिए, पहली आपकी कहलाएगी इक्वेशन नंबर वन, सेकेंड जो आपको दिए वो आपको दिए इक्वेशन नंबर टू। सही है, दो इक्वेशन दिए। इन इक्वेशन में से आपको ये z और ये w जो वेरिएबल नज़र आ रहा है, इसमें z और w निकालना है। मेन इस एक्सरसाइज में आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है एंड w की वैल्यू फाइंड करनी है। सही, इसको करने के लिए आपने एक मेथड यहाँ पे यूज़ करना है इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है एलिमिनेशन। कौन सा मेथड है आपका? एलिमिनेशन मेथड। सही है, याद रखना इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? एलिमिनेशन। किस तरह करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा सिंपल याद रखना बहुत आसान रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाओगे तो मुश्किल। आगे की चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे ना तो ये और अच्छे से आप समझ आते जाओगे। अभी के लिए आप इसको करो तो आप ये करोगे कि जो नंबर आपको जेड के साथ यहाँ नंबर आ रहा है नज़र, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। दे देखो लिखा मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू, मतलब इक्वेशन टू को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय 3। तो ये इक्वेशन 2 है, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई के लिए लिखूंगा 3 बार लिखूंगा, फिर पूरी इक्वेशन लिख दूंगा 2 आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा लिखा, पूरी वैल्यू से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 माइनस आयोटा z, फिर माइनस 3 ओमेगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया। तो ये मैंने एक चीज़ करी। उसके बाद अब आपने अगले पार्ट के लिए क्या करना है, अगली इक्वेशन के लिए। अभी आपने एक इक्वेशन मल्टीप्लाई किया, अब देखो अब अगली इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाले जो पार्ट z के साथ आपको नजर आ रहा है ये आप ऊपर मल्टीप्लाई करो। देखो z को छोड़ दो, ऊपर z है, z के अलावा क्या बच रहा है, 2 माइनस आयोटा। तो यहां करोगे आप मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 माइनस आयोटा। तो इन शॉर्ट आपकी समरी ये बन गई कि जो इक्वेशन वन में वैल्यू दी हुई है उसको इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो टू में दी है उसको आप वन से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है, तो आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन नंबर, देखो वन में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 माइनस आयोटा। तो बाहर पहले मैंने लिखा 2 माइनस आयोटा, फिर मैंने इक्वेशन वन लिखी, देखो 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। सही है, अब मल्टीप्लाई देखो मैं करूंगा तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ब्रैकेट 2 माइनस आयोटा और सेट। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क अपना लाजमी यूज करूंगा सवाल को शॉर्ट रखने के लिए। देखो ये है 2 प्लस आयोटा और एक वैल्यू आपकी क्या है, 2 माइनस आयोटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है a² माइनस b² का, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, आपको पता है माइनस 1 की वजह से प्लस 1, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है। तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखना है, 5w ही लिखना है कि आपको इजी हो जाए सॉल्यूशन। उसके बाद 2 आयोटा को किससे हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 माइनस आयोटा से जो यहाँ पर दिया हुआ है। सही है, ये ब्रैकेट है, तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पर आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिखना है, या आप यहाँ स्टेप भी शो कर सकते हो। आसानी ये है कि आप ये चीज़ रफ में करो और एग्जाम में साइड में ही रफ वर्क भी कर सकते हो, बोर्ड की शीट के लास्ट में भी रफ वर्क करते हो, मर्जी आपकी होती है। सही है, बेहतर है साइड में करो कि एग्जामिनर को पता चले कि आपने प्रॉपर रफ वर्क से तरीके से काम किया, और रफ वर्क हमेशा पेंसिल से करोगे, पेन से नहीं करोगे। मल्टीप्लाई करते हैं 11 2 22, और रफ वर्क आपके लिए जरूरी इसलिए कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चले कि आपने कैसे किया, वरना सर पकड़ के बैठ जाओगे भाई ये हुआ कैसे, है ना। तो ये आ जाता है माइनस 2 आयोटा माइनस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 13 आयोटा, आयोटा स्क्वायर है माइनस 1, तो 22 और 1 सॉल्व होगा 21 माइनस 13 आयोटा,
तो यहां पर मैं लिख दूंगा इसकी जगह 21 माइनस 13 आयोटा। ये मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब मैं क्या करूंगा, जो न्यू इक्वेशन आई है उनको नाम देना चाहूं तो दे दूं, नहीं तो प्रीवियस से भी रख सकता हूं। तो ये ए आ गई, अब ये बी आ गई। अब देखो कि आपके पास ये और ये पार्ट सेम हो गया, और जब आप इस तरह से प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे लाजमी ये पार्ट सेम होगा। अगर ये पार्ट सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि सेम होना चाहिए। अब ये सेम आ गया, दोनों की साइन है प्लस है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए बाय बी। तो इक्वेशन ए को एक इक्वेशन बी से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इक्वेशन ए लिखी 3, फिर आपके पास क्या है 2 माइनस आयोटा जेड माइनस 3W इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 आयोटा। यहां पर भी लिखूंगा नीचे 3 2 माइनस आयोटा जेड, ये इक्वेशन सही है। आप देखो फिर क्या है प्लस 5W फिर इज इक्वल टू 21 माइनस 13 आयोटा। अब मैंने सब्ट्रैक्ट करने का लिखा है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो वैल्यूज मैंने इक्वेशन नीचे लिखी है जो बी इक्वेशन, उन सब की साइन चेंज करूंगा। देखो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पर देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो जो जो वैल्यूज होंगी, ये पूरे ब्रैकेट में ना इसलिए एक ही वैल्यू कंसिडर। देखो ये कट गई, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस 5 और 3 8W हो गया। इसमें सॉल्व करूंगा बगैर आयोटा की वैल्यू सॉल्व होगी तो माइनस 3 और ये माइनस 20 नीचे वाली साइन देगी तो माइनस का 24 हो गया। यहाँ पर सॉल्व करूँ तो हमारे पास प्लस है दोनों वैल्यू, तो 13 प्लस 3 हमारा कितना हो गया 13 प्लस 3 16 आयोटा। आपको W निकालना है इसलिए W को आप यहीं रखोगे, माइनस 24 प्लस 16 I से आप डिवाइड कर दोगे, ये वाली वैल्यू जो है माइनस 8। ये हो जाएगा W माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 8 प्लस 16 I डिवाइडेड बाय माइनस 8। ये हो गया W, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, 8 3 24 प्लस माइनस माइनस, 8 1 8 8 2 16। तो W की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई, एक आंसर निकला भी था। वो पूरा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि आपको W और Z दोनों ही निकालना है। अब W निकालने के बाद आपको W को कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी इक्वेशन में पुट करते हो। देखो सवाल में भी पुट कर सकते हो और यहाँ भी पुट कर सकते हो। देखो ये वाली इक्वेशन आपकी मर्जी। देखो सबसे पहला ऑप्शन है आप इक्वेशन 1 में पुट करो, सेकेंड ऑप्शन है इक्वेशन 2 में पुट करो, फिर इक्वेशन ए में पुट करो, इक्वेशन बी में पुट करो, जहां आपको आसान लगे। मुझे सबसे आसान देखो यहां नजर आ रही है क्योंकि यहां W के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस वन है। यहां पुट करूंगा ना तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी कई मल्टीप्लाई है, यहां पुट करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 5 से। सबसे आसान जहां लगे आप वहां पर पुट करोगे। तो मैं पुट कर रहा हूं पुट W इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 मैंने ऊपर से देखी क्या है, 2 माइनस आयोटा, आपके सामने बुक मौजूद होगी वहां से देख सकते हो, 2 माइनस आयोटा जेड है माइनस W है इज इक्वल के बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है माइनस 1 प्लस आयोटा। मैंने लिख दिया माइनस 1 प्लस आयोटा लिख दिया। अब W की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस आयोटा जेड, यहां पर भी Z को मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। यहां पर देखो वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, सही लिखा है मैंने, नहीं गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है, माइनस की साइन के बाद ब्रैकेट बनाना कंपलसरी है, अगर नहीं बनाओगे आंसर नहीं आएगा सही। तो 2 माइनस आयोटा जेड एज इट इज, ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू को पहले इधर लेके जाना है जो वैल्यू रिमूव हो रही है प्लस माइनस वाली। तो माइनस 1 प्लस आयोटा अपनी जगह पर, ये माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3, ये प्लस का 2 वहाँ जाके माइनस 2 आयोटा। क्या हो गया आपका, ये दोनों सॉल्व हो गए, आपके पास 2 बचा क्योंकि 3 में से 1 गया 2, ये माइनस 2 प्लस आयोटा, ये होगा माइनस आयोटा। यहाँ पर है 2 माइनस आयोटा, सामने भी 2 माइनस आयोटा, जब कट गया तो इसका मतलब W इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, W इज इक्वल टू 1 आया। ओ सॉरी यहाँ पर मैंने W गड़बड़ से लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा मेरा Z है, सही है। तो मेरा क्या निकला यहाँ पर Z, Z था ना, ये था 2 माइनस आयोटा Z और ये, तो Z की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1। तो मेरे पास W का जो आंसर आया वो आया 3 माइनस 2 आयोटा और जो Z का आंसर आया वो 1 आया। तो जो मेरा आंसर आएगा वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, सही है। ये आपका सॉल्यूशन था किसका, पहले पार्ट का।
तो देखो सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है आपका भी अच्छा खासा। तो मैथ्स के लिए कोशिश करना छोटे रजिस्टर को यूज़ करने के बजाय बड़े साइज़ के जो रजिस्टर आते हैं वो लाजमी ले लेना, वो ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि आपके देखो सॉल्यूशन अब आपको नज़र आ रहा है, बड़े बड़े सॉल्यूशन है, छोटा रजिस्टर लोगे तो वो ज़्यादा पेज में जाएगा, रीप्रैक्टिस के वक्त आपको मुश्किल होगी कि आप उसको समझ नहीं पाओगे सही से। इसलिए बेहतर है कि बड़े रजिस्टर में अच्छे से कॉपी करो तो आपको आसानी होगी। सही है, आ जाते हैं अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर टू पे। देखो क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ जेड के साथ टू है, इसके लिए इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ थ्री माइनस आयोटा तो ये थ्री माइनस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मैं डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर थोड़ा स्टेप देखो और रिड्यूस कर रहा हूँ, तो क्या लिखा मल्टीप्लाई, मुझे पता है कि मल्टीप्लाई क्या करना है, इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई किससे करना है, बाय थ्री माइनस आयोटा। इक्वेशन नंबर वन ये है, इसको थ्री माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना। इक्वेशन नंबर टू जो है वो मेरी, उसको मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, देखो यहाँ क्या है टू, इसका मतलब टू से मल्टीप्लाई करना है। सही है, ये मैंने एक वे अपना जो सॉल्यूशन पार्ट है वो लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने के लिए पहले लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई कैसे करूँ, थ्री माइनस आयोटा, तो बाहर लिखा थ्री माइनस आयोटा, फिर ब्रैकेट में इक्वेशन नंबर वन लिख दी क्या है टू जेड प्लस थ्री आई थ्री प्लस आयोटा ब्रैकेट के बाद डब्लू फिर इज इक्वल के बाद नाइन माइनस आयोटा, ये इक्वेशन वन लिख दी। अब इसको मल्टीप्लाई कर, इसको पहले मल्टीप्लाई करना था हमें, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, देखो टू ब्रैकेट थ्री माइनस आयोटा जेड हो गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या आ रहा है टेन, तो ये मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, टेन डब्ल्यू आ जाएगा। फिर आपके पास ये ब्रैकेट और ये नाइन आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री नाइन जो 27 हो गया, फिर थ्री वन जो थ्री आयोटा हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 27। इन दोनों को सॉल्व करूंगा माइनस माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 27 में से 1 गया 26 माइनस 12 आयोटा आ गया। सही, तो 26 माइनस 12 आयोटा, ये आ गई इक्वेशन ए। फिर इक्वेशन बी क्या लिया आपने, देखो इक्वेशन टू को इक्वेशन टू मल्टीप्लाई टू, तो आपने टू लिखा फिर ब्रैकेट और फिर पूरी इक्वेशन नंबर टू लिखनी है क्वेश्चन से देख के, ये आपके पास मौजूद है। सही है, तो ये आ गया ब्रैकेट थ्री माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा। सही, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ब्रैकेट थ्री माइनस आयोटा जेड माइनस टू आयोटा डब्ल्यू, यहाँ पर भी इक्वल के बाद मल्टीप्लाई होगा माइनस टू प्लस टू आयोटा, सबसे मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन ए भी मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन बी भी मल्टीप्लाई हो गया। सही, उसके बाद आपने क्या करना है, सब ट्रैक्ट इक्वेशन ए बाय बी, ए बाय बी करो या बी बाय ए करो, मर्जी आपकी, दोनों सूरतों में आंसर पर कोई फर्क नहीं आना। सही है, तो इक्वेशन ए लिखता हूँ टू ब्रैकेट थ्री माइनस आयोटा डब्ल्यू प्लस 10W इज इक्वल टू 26 माइनस 12 आयोटा, नीचे इक्वेशन है टू, और देखो इक्वेशन जब करेक्ट आ रही होगी तो आपके पास ये दोनों सेम आ रहा होगा। सही है, तो थ्री माइनस आयोटा, अच्छा यहाँ पर मैंने W लिख दिया Z की बजाय, तो ये Z है। सही है, Z फिर आगे माइनस टू आयोटा W इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू आयोटा। सही है, सब्ट्रैक्ट करने में आप क्या करो, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ के कॉपी की लाइन लगाना, नीचे की वैल्यूज की साइन चेंज करोगे, देखो प्लस थी माइनस कर दी, माइनस है प्लस कर रहा हूँ, माइनस है प्लस कर रहा हूँ, प्लस है तो माइनस कर रहा हूँ, ये पूरी टर्म कट गई। यहाँ आयोटा नहीं है, यहाँ आयोटा है, इसलिए दोनों को एज इट इज लिखना आपके लिए जरूरी है, दोनों को सॉल्व नहीं करोगे। सही, सेम होता तो सॉल्व करते, जैसे पिछले सवाल में देखो यहाँ पर आयोटा दोनों में नहीं था इसीलिए सॉल्व कर लिया। सही है, आगे बढ़ते हैं, ये है 26 और ये है माइनस टू, तो प्लस माइनस माइनस 26 में से आप टू माइनस करोगे बचेगा 24, सॉरी यहाँ पर दोनों में प्लस साइन है तो ये हो जाएगा 28, फिर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 14 आयोगा। सही, अच्छा अब अगर आप ये देखो तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है ओमेगा, टू के टेबल में दोनों नंबर कॉमन आते हैं, टू कॉमन लिया, टू फाइव जो 10, टू वन जो 2, तो सिर्फ यह आयोटा बच गया इसके साथ। सही, यहाँ से भी टू कॉमन आ रहा है, टू 14 जो 28 और टू 7 जो 14, कॉमन आने को तो ज़्यादा भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने इतना कॉमन लिया जितना मेरा कट जाए, बाकी मैंने कॉमन नहीं लिया। अब यह 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाऊँ तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट से करूंगा, तो 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 माइनस आयोटा से डिवाइड, तो ये हो गया 14 माइनस 7 आयोटा को, उसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करता हूँ लिखने के बजाय, स्टेप बचा रहा हूँ,
तो 14 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 हमारा 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 14 5 ज़्यादा 70, फिर 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 वन ज़ा 14 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 7 5 ज़ा 35 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस, 7 वन ज़ा 7 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं, यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला, 5 5 25, और ये आयोटा स्क्वायर होता है जो किसके बराबर होता है, माइनस वन के बराबर। सही है, स्टेप मैंने डायरेक्ट किया ये वाला एक, तो ऊपर आ रहा है हमारा 70, आयोटा की वैल्यू सॉल्व होगी 35 और 14, 35 और 14 करेंगे तो ये होगा माइनस का 49 आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस हो गया 7 के साथ। सही है, नीचे आ जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1, तो ये आ गया 70 प्लस 7 हमारा कितना बन रहा है, 77। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास साइन की एक मिस्टेक ये करिए कि माइनस माइनस यहाँ पहले प्लस आ रहा है, अब ये जब प्लस आया है तो आयोटा स्क्वायर से ही क्या हो जाएगा, माइनस होगा। सही है, 70 में से 7 जाएगा 63 माइनस 49 आयोटा डिवाइड बाय 26, तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो और एलसीएम ब्रेक करके भी लिख सकते हो। तो ये आपकी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, अब आपको जेड निकालना है, तो आप जेड निकालने के लिए देखो क्या करोगे, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, अब आप करोगे पुट डब्ल्यू, डब्ल्यू पुट करोगे आपके पास जो इक्वेशन आसान होगी, देखो इक्वेशन वन मुश्किल लग रही है, इक्वेशन टू में आयोटा है, बाकी इक्वेशन भी जज कर लेते हैं, इक्वेशन ए में देखो आयोटा नहीं है, फिर इक्वेशन फोर में फिर आयोटा, तो मुझे आसान लग रही है इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर वन, तो मुझे इक्वेशन वन ज़्यादा ईजी लग रही है, नंबर छोटे हैं वरना यहाँ नंबर ज़्यादा हो रहे थे, तो मैं इक्वेशन नंबर टू बी सॉरी टू में पुट कर रहा हूँ, तो पुट डब्ल्यू इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू पहले लिख लेता हूँ, मेरी है इक्वेशन टू टू जेड, इक्वेशन टू मेरी क्या है थ्री से शुरू हो रही है, सही, थ्री माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा, ये मेरी इक्वेशन है, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, थ्री माइनस आयोटा जेड है, यहाँ पर वैल्यू पुट करने से पहले आयोटा दिया वो रखूँगा, फिर डब्ल्यू की वैल्यू लिखूँगा 63, नीचे माइनस 49 आयोटा और डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा। अब सबसे पहले तो क्या करता हूँ, ये वैल्यू माइनस में वहाँ ले जाके प्लस में कर देता हूँ, तो ये थ्री माइनस आयोटा जेड यहाँ पर छोड़ दिया, माइनस वन प्लस आयोटा मौजूद है, ये वैल्यू माइनस में वहाँ जाके प्लस आयोटा 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26 हो गए। सही, अब यहाँ पर एलसीएम भी लूंगा और साथ साथ इसको सॉल्व भी करूँगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, एलसीएम के लिए नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई 126 और 26, 26 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है माइनस 1 प्लस आयोटा से, और यहाँ पर आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आयोटा प्लस माइनस माइनस 49 के साथ आयोटा मौजूद है, हो गया आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा था 3 माइनस आयोटा जेड, यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई होगा माइनस 26, फिर आपके पास प्लस 26 आयोटा, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है प्लस 63 आयोटा माइनस 49 आयोटा स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस खत्म हो गया। सही है, आगे आ जाते नीचे है 26, तो जब तक मेरा ये सॉल्व नहीं हो जाता मैं इसको नहीं ले जाता, तो अच्छा है वरना ले जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ। यहाँ आयोटा की वैल्यू सॉल्व हो रही है, देखो मैं यहाँ पर 6 लिखना भूल गया, और ये वाली दो वैल्यू सॉल्व हो रही है मेरी, तो ये दोनों सॉल्व करूँगा, 49 माइनस 26 में करूँगा, 49 में से मैंने 26 माइनस करना है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 49 माइनस 26 में, क्या कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, 49 माइनस 26 मैंने किया हुआ भी था नीचे, तो ये मेरा सॉल्यूशन मैंने किया था रफ में। सही, तो ये मेरे पास आ रहा था 23 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, अब इन दोनों को प्लस करना है तो 63 प्लस 20 तो ये मेरा आ रहा है 89 इनको प्लस करके। सही है, तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ इसको और लिखता हूँ 89 आयोटा, नीचे आ रहा है 26। सही, अब ये वैल्यू डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर सिर्फ क्या लिखूँगा जेड लिखूँगा, 23 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 26, यहाँ पर 3 माइनस आयोटा। अब जब नीचे आयोटा की वैल्यू आती है तो सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस आयोटा से ये डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। सही है, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 89 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस आयोटा से, तो मल्टीप्लाई करके जो आता है वो लिखता जाऊंगा, 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 69 आएगा,
23 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 23 आयोटा हो जाएगा। फिर 89 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 89 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3s are 27, 8 3s are 24, 25, 26, 267, तो ये आ जाएगा प्लस 267 आयोटा। फिर यहाँ पर आयोटा था 89, हमें लिखना भूल गया, सही। तो इसको इससे किया, फिर 18 इसको किया, 89 को किया, 89 वन 89 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या है, 26 एक मौजूद है आपका, और ये दोनों पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आयोटा का स्क्वायर आपका, सही है। अच्छा, अब ऊपर हमारे पास जो वैल्यू सॉल्व हो रही है हम वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जेड इज इक्वल टू 69, किसी से अभी सॉल्व नहीं हो रहा, एज इट इज लिख दिया। ये दोनों आयोटा की वैल्यू सॉल्व हो रही है, तो 267 और 23, तो मैंने ले लिया 267 प्लस 23, मेरा आ रहा है 290, तो प्लस 290 आयोटा। फिर आपके पास 89 आयोटा स्क्वायर है, तो आपके पास माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो ये साइन चेंज हुई, 89 आ गया, सही है। नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करके 26 एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, सही है। अब मेरा 89 और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 69 माइनस 89 जब मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, माइनस का 20 दे रहा है मेरे को, फिर प्लस 290 आयोटा दे रहा है, नीचे 26 और ये 10 दे रहा है। अब एक स्टेप मेरे पास ये है कि मैं चाहूँ तो यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, मैं इसका स्टेप अब यहाँ शो कर देता हूँ। तो z अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ऊपर 10 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं और नीचे से 10 कट भी रहा है, 10 कॉमन ले लेता हूँ तो 10 टू ज 20 यहाँ पर, फिर प्लस 10 के टेबल में 29 पे आएगा 10 और नीचे 26 मल्टीप्लाई बाय 10 बच रहा है। हुआ फ़ायदा ये, देखो 10 से 10 मेरा कट गया, तो z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 26 बच गया, जो मेरा आंसर है। तो सवाल में w और z निकालना था, तो आपने जब W निकाला, रिजल्ट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और Z और W क्या क्या, Z की वैल्यू देखो नज़र आ रही है मुझे यहीं पर, मैंने यही कॉपी कर दी। W की वैल्यू मेरी आई थी 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26, सही। तो जो मेरे W और Z आया था ये मेरा आंसर बन गया, सही। बुक में भी देख लेते हैं, ये आंसर बुक में भी यही है, देखो ये रहा, सही है। तो जो हमने सॉल्व किया वो आंसर और बुक का आंसर सेम मैच करते हैं, क्लियर। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल था और इसी वजह से एग्जाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इजी है अब के आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, सही। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर टू ऊपर देख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, पार्ट वन, जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बगैर फॉर्मूला लग, अब अगर सवाल को देखो तो फॉर्मूला नहीं लगा, लेकिन फिर भी पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट फॉर्मूले लगा के आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको मैं कर देता हूँ जेड का स्क्वायर, या मैं एक स्टेप पहले शो क्या करता हूँ, देखो तो ये लिखा हुआ है 81 बी स्क्वायर, मैं इसके साथ एक चीज़ रखता हूँ, एक वैल्यू रखता हूँ आयोटा स्क्वायर। क्यों रखा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि एक आयोटा स्क्वायर अगर मैं रखता हूँ तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन। तो जब मैं यहाँ आयोटा स्क्वायर रखूंगा तो उससे फायदा ये होगा कि मैं इस साइन को प्लस से माइनस में तब्दील करूंगा। अब फॉर्मूला देखो मेरा बन रहा है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये पूरी वैल्यू देखो 9 का स्क्वायर होता है, बी आयोटा, सब वैल्यू का स्क्वायर बन गया, और फॉर्मूला मेरा रख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, रट गया होगा फॉर्मूला अब। तो ये हो जाएगा जेड प्लस 9 बी आयोटा, z माइनस 9 बी आयोटा आंसर, समझे। फिर आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट तो आपको 9 क्लास की याद ताज़ा कर देगा ये सवाल, देखो कैसे। 9 क्लास में आप लोगों को एक स्टेप सवाल याद हो जो आपके पास किसका होता था, रिमाइंडर थ्योरम का, याद है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का जो मेथड है वो अप्लाई हुआ। रिमाइंडर थ्योरम के मेथड के लिए आप क्या करते हो, पहले एक वैल्यू आइडेंटिफाई करते हो z के लिए कि जिसके ये फैक्टर जीरो हो जाए, तो आपके पास वैल्यू के ऑप्शन जो होते हैं वो z की वैल्यू 0, 1, माइनस 1, 2, माइनस 2, इस तरह से वैल्यू आप सपोज करके करते जाओगे, जैसे 2 के बाद माइनस 2, लाइन से वैल्यू पुट करते जाओगे रफ वक्त में, सही है। तो आपको पता चलता जाएगा कि किस वैल्यू से मेरा आंसर आ रहा है, किससे नहीं आ रहा, तो रफ वक्त में या कैलकुलेटर में। अब कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करोगे
फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कंप्यूटर के साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये ऑप्शन है या नहीं। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑप्शन नहीं है, साइंटिफिक फॉर्म में थे, तो साइंटिफिक फॉर्म में देखते हैं हमारे पास ये सॉल्व हो सकता है या नहीं ये सवाल। देखो कैसे, तो मैंने ये साइड में किया, देखो मेरे पास सवाल क्या था, जेड क्यूब था, तो ब्रैकेट बनाऊंगा, जेड की अगर मैं वैल्यू 1 रखना चाहूँ तो 1 लिखता हूँ, फिर मेरे पास क्यूब है तो मैं क्यूब की वैल्यू देखूँ तो क्यूब मेरे पास देखो इस कैलकुलेटर में क्यूब के लिए एक्स को वाई नज़र आ रहा है, तो पावर 3। फिर आगे मुझे क्या करना है, प्लस 3, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ओ सॉरी यहाँ पर प्लस 3 देखो लिखा नहीं जा रहा ना इस कैलकुलेटर में, तो मैं इस कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करूँगा। आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये पूरी टर्म लिखो, कि मैं आपको देखो लिख के दिखा रहा हूँ अपने पास कैलकुलेटर में। मैंने ब्रैकेट लिया पहले, देखो ब्रैकेट ओपन किया, आपको आपको नज़र आ रहा होगा तो सही, नहीं तो आप कैलकुलेटर में करोगे तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ लिख के तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर में क्या करोगे, पहले ब्रैकेट देखोगे, फिर आपको जेड की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, 0 से तो आएगा ही नहीं, 1 से रखो 1, फिर आप क्यूब का बटन दबाओगे कैलकुलेटर, फिर लिखोगे प्लस 3, फिर आप लिखोगे 1, फिर इसका स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 5। कैलकुलेटर में ये पूरी टर्म लिखने पे आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, 1 की पावर 3 हो गई, फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है प्लस 3 ब्रैकेट 1, 1 का क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, मैंने स्क्वायर लिख दिया, फिर आ रहा है प्लस 1 माइनस 5। तो ये मेरा सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 0, इसका मतलब मेरा 1 से ही आंसर आ गया। फर्ज कर लो आपका 1 से आंसर नहीं आता तो आपने क्या करना है, 2 पुट करना है। अब आपने कैलकुलेटर में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में जाके हर जगह जहाँ जहाँ आपने ये जैसे 1 लिखा ना ये मिटाया, और इसकी जगह आपने कैलकुलेटर में क्या रख दिया, 2 रख दिया, माइनस 1 रख दिया। तो आपने ये डायरेक्ट करना है 9th क्लास में जैसे आप पूरा सॉल्यूशन शो करते थे उस तरीके से आपने नहीं करना सवाल को, ये आपने याद रखना है। सही, तो यहाँ मैंने जब 1 पुट किया तो हमें पता चल गया z इज इक्वल टू 1 पे आंसर आ गया, इसलिए मैं जो पुट करके 0 आ रहा है मैं वही पुट कर शो करूंगा। सही, तो यहाँ पर 1 पुट करके शो कर देता हूँ, और यहाँ पर भी इतना ज़्यादा से डिटेल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखा के 0 आ गया। सही, एक आपका आंसर आ गया z। आगे आप रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम आपको सिंथेटिक डिवीजन याद हो तो एक लाइन आप सब बनाओगे कॉपी पे, एक लाइन यू बनाओगे। सही, यहाँ पर आप जेड के जो वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म दिए वो लिखोगे, देखो यहाँ 1, 3, 1, -5, तो आपने लिखा 1, फिर थोड़ा सा फासला छोड़ा 3, फिर लिखा 1 और फिर लिखा -5। सही, यहाँ पर आपका आंसर जेड का 0 आया जिस पर वो आपने लिखना है, जिस पर भी 0 आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को आप एज इट इज लिखोगे, लिखा 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे ऊपर, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके जो भी आंसर है प्लस या माइनस वो नीचे लिखना है। तो यूं आपने मल्टीप्लाई करना है और यूं आपने प्लस करना है, ये याद रखना। सही, या प्लस या माइनस, फिर 1 4 4 किया, 1 + 4 5, 1 + 5 आपके पास क्या आया 5, ये हो गया 0। लाजमी या 0 आएगा, अगर ये 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने या तो ये वैल्यू गलत दी है या यहाँ सॉल्यूशन गलत किया। अब इन वैल्यूज को किस तरह यूज करना है, आपने पहली वैल्यू को आपने कुछ नहीं करना, या पहली वैल्यू कुछ नहीं करना है इसमें, लास्ट से इस वैल्यू को आपने एक्स जेड से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सवाल में आपको जेड गिवन है, और इसको आपने जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, जेड स्क्वायर बन जेड स्क्वायर प्लस 4z, और ये आपका हो गया 5, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आपको आके इसकी मिडल टर्म करनी है, या तो मिडल टर्म, और अगर मिडल टर्म नहीं होती तो क्या लगानी है आपको, क्वाड्रेटिक। मिडल टर्म चेक करता हूँ, तो इसकी अगर मिडल टर्म करूँ, 1 5 5 से बनती है वैसे तो 4, तो 5z - 4z + 5, जेड कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है जेड प्लस 5, यहाँ से माइनस कॉमन आता है, रूल ये होता है कि जब माइनस कॉमन आता है, अच्छा यहाँ पर 4 नहीं आता, 5 - 1 से मैंने करना था। सही है, माइनस कॉमन आता है तो रूल ये है कि अंदर की साइन चेंज होती है, तो प्लस थी तो मैंने माइनस। अब देखो ये साइन चेंज आ रही है, जब चेंज आ रही है इसका मतलब है कि यहाँ मिडल टर्म ब्रेकिंग या तो इस फैक्टर से नहीं होती या इसके अलावा किसी फैक्टर से सॉल्व होना है इसको। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x = -b + -√b² - 4ac / 2a, 9th क्लास में आपने पढ़ा। सही, ये टॉपिक 9th क्लास में थोड़ा ताज़ा हो गया आपको। तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है, देखो a जेड स्क्वायर के पास क्या है 1, b की वैल्यू आपकी क्या होगी 4 जो z के पास है, बची हुआ c की वैल्यू 5,
वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू 4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू आपकी 1 है, सी की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई 2 ए, ए की वैल्यू आपकी 1 है, सही है। तो x माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2। नीचे आपके पास सॉल्यूशन में आ रहा है x, यहाँ पर आ जाते हैं माइनस 4 प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर देखो तो माइनस 4 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है। अंडर रूट के अंदर अगर ये माइनस आता है तो इसका मतलब होता है आपने बाहर आयोटा लिखना है अंडर रूट के माइनस को हटाने के लिए। फिर अगर ये नंबर का रूट होता है तो करेंगे तो 4 का रूट होता है 2। तो अब आपके पास 2 कॉमन आ रहा है या एलसीएम ब्रेक वाला मेथड करो, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको एलसीएम ब्रेक वाले मेथड से करा, तो इसके नीचे भी 2 आ जाएगा और इसके नीचे भी 2। 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपके पास x के ये दो आंसर आए, तो आपका एक आंसर 1 पे आया, एक माइनस 2 प्लस आयोटा पे बना और एक माइनस 2 माइनस आयोटा पे, ये तीन आपके क्या बन गए, आंसर बन गए। क्लियर है? तो जितने भी पार्ट दिए हुए हैं ये सारे जितने भी हैं सेम प्रोसीजर से होंगे। पहले आपको वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपने क्या करना होगा, रिमाइंडर थ्योरम से करना होगा। इन पार्ट्स के लिए वैसे तो आपने इसको सेल्फ प्रैक्टिस पे करना है, और इन सेल्फ प्रैक्टिस के सवाल की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको इनमें से कोई समझ ना आए तो आप वो वाली वीडियो लाजमी देख लेना, समझ आ गया तो आप खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी लॉजिक क्लियर नहीं होगी। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन है, थोड़ा समझा देता हूँ छोटा सा, इसीलिए क्योंकि ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, सही है। तो ये आपको दिया 4z² प्लस 9b² दिया हुआ है। यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, ये प्लस के साइन को माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो बाहर आप आयोटा लगा दोगे, तो ये 2z² हो गया, ये 3b² आ गया। तो आपके पास फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आंसर है, सही है। तो यहाँ पर आके एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 पे जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल में बोला है, लीनियर फंक्शन में, सॉरी यहाँ पर सवाल वापस ये रिपीट में लिख दिया। आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये सारे सवाल आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। जल्दी से शुरू करते हैं पार्ट 1। z² मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ले मेरे चैनल को, सही है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको वहाँ ले जाते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, पहला स्टेप। 5 वहाँ चला गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर यहाँ z² मतलब स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोई नंबर मौजूद है तो उसको सबसे डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या मौजूद है, 1, तो 1 सबसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये वाला देखो, इसमें देखो 34 है, तो इसमें आपके पास 1 वहाँ ला के दिया है, एक चीज़ आपको कर दी। दूसरा स्टेप आपका ये होगा, डिवाइड बाय 34 ऑन बोथ साइड, सही है। ये इंशाल्लाह मैं कराऊंगा, मैं सारे नहीं कराऊंगा, 2-3 इस वीडियो में कराऊंगा, बाकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अगर आप में से किसी को ना समझ आए तो उसमें से देखना, सही है। सॉल्यूशन की हेडिंग तो पीछे डालने की जरूरत ही भाई, यहाँ तो डालने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या करना है हमें, पहला स्टेप हमारा हो गया नंबर ले जाने वाला, दूसरा स्टेप यहाँ पर जो था वो भी हो गया क्योंकि वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फॉर्मूला जो है वो आपका a² माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस दिया, अगर ये प्लस दिया होता तो प्लस का फॉर्मूला, प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। अगर इस फॉर्मूले को आपको कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म दी हुई है, तीसरी टर्म आपको नहीं दी। ये आपने एड ऑन सब्ट्रैक्ट करनी है। देखो कैसे, आपने पहली टर्म ली, ये स्क्वायर में है, फिर आपने आगे फॉर्मूले की जो ब्रैकेट बनते हैं ना वो बना, देखो 2 लिखा, फिर a और b की ब्रैकेट बनाए, फिर आपके पास b² होता है। ये टर्म आपको दी नहीं है, आपने बनानी है। जो टर्म आपने बनाने के लिए एक्स्ट्रा रखी है वो आपको इस साइड भी रखनी है और दूसरी साइड भी रखनी है। ये वैल्यू क्या होगी इसको डिसाइड करना पड़ता है। पहले तो यहाँ जेड दिया ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर जेड आ जाएगी। यहाँ ऐसी टर्म रखनी है कि इन इस पूरे को सॉल्व करके ये 4z ही आए। इसके लिए एक ट्रिक ये है कि आप सिंपल क्या करोगे, जो आपको सेंटर में टर्म दिए ना आप उसको लो, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2, और यहाँ जो पहली टर्म है वो लेके,
वन अपॉन टू जेड से इसको मल्टीप्लाई करो। हमेशा क्या करोगे, वन अपॉन टू और जो पहली टर्म होगी, पहली टर्म आपके पास जेड ही आ रही होगी या एक्स आ रही होगी, इसके अलावा कोई नहीं आ रही होगी, तो आपने सिंपल हमेशा क्या करना होगा कि जो भी वैल्यू आपको बीच में बनानी है आपने वो लेनी है सेंटर वैल्यू आपके लिए। देखो सेंटर वैल्यू ली, उसको आपने वन अपॉन टू और एक्स या जेड जो भी आपको दिया आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, सही है। देखो जेड से जेड कट गया, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, क्या आया माइनस टू। साइन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन आप फॉर्मूले में इंक्लूड कर चुके हो, साइन नहीं लोगे थे। तो ये टू आया, इसका मतलब यहाँ हर जगह आपका टू आएगा जो खाली ब्रैकेट शो रहा। तो देखो टू टू ज़ा फोर जेड बन रहा है, खुद ही बनेगा अगर आप सही टर्म डालोगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके ऊपर की ही टर्म बनेगी। ये एक ट्रिक है कोई मुश्किल सवाल में किस तरह से हमें निकालना हो, आसान सवाल में आप जज कर लेते हो। फॉर्मूला बंद हो गया, जेड माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर फाइव है और ये टू का स्क्वायर फोर है। जेड माइनस टू का स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस वन। अब स्क्वायर जब एक तरफ से हटता है तो दूसरी जगह जाता है तो प्लस माइनस और अंडर रूट होता है। आपको पता है अंडर रूट के अंदर माइनस हो या माइनस अंडर रूट वन हो, ये आयोटा के बराबर होता है। ये हो गया जेड, माइनस टू को भी मान ले जाऊँ तो टू, फिर ये है प्लस माइनस आयोटा। तो जेड की कितनी वैल्यूज आ गई आपके पास, एक वैल्यू टू प्लस आयोटा आई और एक टू माइनस आयोटा, ये आपका आंसर आया समझ। एक और सवाल करा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट थ्री में आपको बोल रहा था, 34 जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू माइनस वन। नंबर वाली टर्म वहाँ ले जानी पड़ती है हमें, आसानी के लिए ले जा के दे दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखता हूँ ये 34 दिया, तो सबसे पहले तो स्टेप यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड 34 ऑन बोथ साइड, 34 डिवाइडेड बाई 34 जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड डिवाइडेड बाई 34 माइनस वन डिवाइडेड बाई 34। अच्छा तो 34 थोड़ा सा अजीब हो गया, 34 से 34 कट गया, देखा जेड स्क्वायर बन। मैंने बोला ना पहली टर्म हमेशा आपकी जेड स्क्वायर या एक्स स्क्वायर या वेरिएबल गिवन होगा वही बनेगी, क्योंकि इसमें हम पहली वैल्यू को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखो कटिंग हो रही है 3 के टेबल में, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 17 पे आता है ये, सही इज इक्वल टू माइनस 134। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला बना लिया। इक्वल के बाद आपको माइनस 134 दिया वो लिखा, और जो वैल्यू आप यहाँ एक्स्ट्रा स्क्वायर में बना रहे हो वही वैल्यू आप यहाँ भी रखोगे। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये जेड दिया है, जेड लिखा यहाँ पर, जेड लिखा यहाँ पर, आपके पास टर्म क्या बनानी है आपको मैंने बताया, ये मुझे दी हुई है 3z अपॉन 17। मैंने मल्टीप्लाई किससे कर देना, 1 अपॉन 2z से, तो z से z कट गया, 2 नहीं कट रहा, तो 3 वन ज़ा 3, 17 टू ज़ा 34, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 34, 3 डिवाइडेड बाई 34, 2 बोल दिया मैंने गलती से, 3 डिवाइडेड बाई 34 हर जगह। आइए समझ, देखो मुश्किल हो रहा था ना इस सवाल में, तो आपको एक आसान सी ट्रिक बता दी, तो ये याद रखना, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई तो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब हमें फॉर्मूला बंद करना है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर की टर्म आए, देखो 2 वन ज़ा 2, 2 7, 3 अपॉन 17 हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला बंद कर रहा हूँ तो ये हो रहा है जेड माइनस 3 अपॉन 34 होल स्क्वायर के अंदर, यहाँ पर है माइनस 1 अपॉन 34 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 34 का जो स्क्वायर है वो हमारा क्या आता है, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, 34 मल्टीप्लाई बाय 34 1156, ये z माइनस 3 अपॉन 34 स्क्वायर वैसे हटेगा तो प्लस माइनस और अंडर रूट आएगा, और इस वैल्यू को आपने कैलकुलेटर में एलसीएम लेना है साइंटिफिक में, माइनस 1 अपॉन 34, फिर उसके बाद क्या है आगे, प्लस 9 अपॉन 1156, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आ रहा है माइनस 25 अपॉन 1156, सही है। आगे आ जाते हैं, z माइनस, ये माइनस में है, वहाँ पर जाके वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो देखो जिस स्टेप में जितनी चीज़ें सॉल्व हो रही है मैं करूँगा, ऐसा नहीं है हर चीज़ के लिए मैं अलग अलग स्टेप करूँ, यहाँ लेके जाऊँगा शुरू में लिख रहा हूँ इसको, ये प्लस में आगे की वैल्यू प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो रूट के अंदर माइनस आया आयोटा, 25 का रूट होता है 5 हो गया, नीचे वाली वैल्यू का रूट आप कैलकुलेटर में लिखोगे 1156, तो आंसर दे रहा है ये 34। तो अब मैंने क्या करना है, एलसीएम नीचे का, अब चाहो तो ये ब्रेक फॉर्म में लिखो, एलसीएम सेम नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, दोनों ही तरीके सही है, आपकी जो मर्जी आप लिखो दोनों ही आंसर सही, ये भी सही है आंसर के लिए और ये भी सही है।
तो ये जितने भी पार्ट हैं वो सारे ऐसे ही हैं, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस इसकी करोगे। फिर भी मैं इसकी सेपरेट दोनों पिछले क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जिन बच्चों को इनमें से जो क्वेश्चन समझ नहीं आए सेल्फ प्रैक्टिस के वो उसमें कर लेंगे। सही, यहाँ पर आके आपका चैप्टर नंबर 1.1 से लेके 1.2 1.3 के चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एमसीक्यूज की मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाता जाऊंगा, तो उसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लूंगा, तो पीडीएफ वगैरह भी आपको इंक्लूड करूंगा। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट वगैरह करो, तो आपको पीडीएफ वगैरह मैं इंशाल्लाह वहां पर प्रोवाइड कर दिया करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, हमारी जो वीडियो आने की है वो फिजिक्स की है। आज जो डेट है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 2023 अगस्त की है। अगस्त में आपकी फिजिक्स की बुक रिलीज नहीं हुई है प्रॉपरली, आपके पास कुछ चैप्टर दो चैप्टर की पीडीएफ मार्केट में सर्कुलेट करी, तो दो चैप्टर के इंशाल्लाह नोट्स और इसके एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अलविदा लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा, पुरानी वीडियोज भी जिन्होंने नहीं देखी प्रैक्टिस के लिए लाजमी देखिए कि आपके मैथ्स की ये चैप्टर की ग्रिप अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। कोई इशू हो वगैरह हो आप कुछ भी मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कमेंट करने के कमेंट भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी तरह आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी सब्जेक्ट में आपको मुश्किल हो फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में खासतौर पर, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हो, आपको मैं इंशाल्लाह सही गाइड कर दूंगा।